कि ओबीसी कम्युनिटी को बहुत सरकार निर्लक्ष्य करते जा रहे हैं, उनको निगम किया है नाम के वास्ते लेकिन कोई भी अनुदान नहीं दे रहे और उनका शिक्षण हो गया, आरोग्य हो गया और राजकीय में स्थानमान हो गया, ऐसे कई समस्या है। आज ओबीसी कम्युनिटी खाली इलेक्शन आते ही निगम घोषणा करने का आश्वासन पे जो ओबीसी कम्युनिटी को तमाम पार्टियां, इधर कौन सा भी पार्टी बोल के नहीं, तमाम पार्टियों के ऊपर एक आरोप है, उसी के खिलाफ हम सभी लोग एक जंग ऐलान कर रहे हैं। एक सितंबर 9 तारीख को एक बहुत 50-60 हजार लोग उधर अरमानी मैदान में बेंगलोर में जो सभी लोग आ रहे हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज राष्ट्रीय इडीगा मंडल मत्तु हागू कल्याण कर्नाटक का समिति के तरफ से एक जो ओबीसी जो कैटेगरी का हमारा देश में जो अन्याय हो रहा है और हमारा राज्य में जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में हम लोग आज पत्रिका भवन में एक पत्रिका घोषित किए हैं। आने वाले सितंबर 9 तारीख को सभी ओबीसी कम्युनिटी वाले एक बहुत बड़ा एक समावेश कार्यक्रम बेंगलोर में अरमानी में मैदान में एक कार्यक्रम होने वाला है। उसमें तमाम राज्य के तमाम तालुक होंगे, हर गांव से लोग जो ओबीसी कम्युनिटी के हैं पूरे लोग आ रहे और उनका नेता लोग, उनका राज्य का अध्यक्ष लोग और तमाम पूरा समाज के जो एमएलए लोग हैं, माजी एमएलए लोग हैं, माजी मंत्री लोग हैं तमाम और पुजारी लोग जो है, पुजारी जो समाज के जो मुख्य लोग हैं पूरे लोग भी आकर वो एक कार्यक्रम को आ रहे। विषय यही है कि ओबीसी कम्युनिटी को बहुत सरकार निर्लक्ष्य करते जा रहे हैं, उनको निगम किया है नाम के वास्ते लेकिन कोई भी अनुदान नहीं दे रहे और उनका शिक्षण हो गया, आरोग्य हो गया और राजकीय में स्थानमान हो गया, ऐसे कई समस्या है। आज ओबीसी कम्युनिटी खाली इलेक्शन आते ही निगम घोषणा करने का आश्वासन पे जो ओबीसी कम्युनिटी को ये तमाम पार्टियां, इधर कौन सा भी पार्टी बोल के नहीं, तमाम पार्टियों के ऊपर एक आरोप है, उसी के खिलाफ हम सभी लोग एक जंग ऐलान कर रहे हैं और सरकार को एक संदेश रवाना करना चाह रहे हैं कि ऐसा यदि होते रहे तो हमारा ओबीसी समाज लोग कहाँ जाना, ऐसी परिस्थिति रहे तो सरकार खाली बातों पे नहीं रहना, जो आप लोग कमिटमेंट करें हम ये करेंगे, अनुदान देंगे, ये समाज को हम लोग ऊपर में ये रिजर्वेशन देंगे, ये पूरा तमाम जो चीज़ें हैं जैसा राजकीय के लिए होना वो वक्त में ऐलान कर देते, जैसे इलेक्शन खत्म हो गया वैसा कोई भी उस तरफ देखता भी नहीं, ये नहीं होना बोलकर ये तमाम ओबीसी की तरफ से हम ये एक परमानंद स्वामी जी के एक नेतृत्व में पूरा तमाम समाज जो ओबीसी के 2A कैटेगरी है और उनका नीचे भी तमाम लोग जो छोटे छोटे समाज भी है, हम सब वो लोग एकजुट होकर एक सितंबर 9 तारीख को एक बहुत 50-60 हजार लोग उधर अरमानी मैदान में बेंगलोर में जो सभी लोग आ रहे बस के मूलक, ट्रेन के मूलक और बहुत लोग नेता लोग, उनका पुजारी लोग और समाज के अध्यक्ष लोग पूरे लोग के नेतृत्व में एक संदेश रवाना करना चाह रहे सरकारों को कि खाली आपका बात अब नहीं चलेगा, आगे कुछ भी करना है बोले तो आप जो कमिटमेंट करें ये समाजों को उसको न्याय दिलाने के काम आगे आने वाला दिन देना, क्योंकि सिद्धरामैया साहब के नेतृत्व में 13 निगम हुआ है उसमें खाली सिर्फ 7 निगम को उन्होंने पैसे दिया है अभी बजट में, यही ऐसे चलते रहे तो ओबीसी लोग कहाँ जाना, उन लोग बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, सरकार की तरफ से भवन नहीं है, बहुत कम समाज को ये सब फैसिलिटीज मिल रहा है। ये तमाम बातें नज़र में रखते हुए हमारा जो ओबीसी कम्युनिटी है उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक जंग एक प्रारंभ रूप में अभी 9 सितंबर को बेंगलुरु में हो रहा है, उसके बाद में लक्ष्य हिसाब से 1 लाख के लोग के ऊपर उड़पी में एक बड़ा समावेश होने वाला है जनवरी 20 तारीख के बाद में, तो ये दोनों समावेश को हमारा तमाम ओबीसी कम्युनिटी के जिले जिले से मैं सब लोग को विनती करता हूँ, आप सभी लोग एक कार्यक्रम को आइए और आपका जो दर्द है समाज के बारे में जो दुख है ये सब लोग आप सरकार को एक संदेश रवाना करना चाह रहे बोले तो बहुत संख्या में आप लोग आकर हम सरकार को जागृत करने का काम हम तमाम ओबीसी कम्युनिटी वाले करना बोलकर मैं आपका माध्यम के मूलक गुजारिश करता हूँ। नमस्कार। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.